रोजनामा कुदरत की वीडियो देखने के लिए अभी YouTube चैनल पर सब्सक्राइब किया। इंशाल्लाह ताला डिपार्टमेंट मन वन उसी को तस्लीम करते हुए उस पर ही चलेगा। सेटलमेंट ये जो इश्यूज हैं ये आज के नहीं हैं, ये बहुत पुराने हैं, ये इनको भी पता है, हमें भी पता है, हम सबको पता है, और बहुत सारे इश्यूज रहे हैं, इसमें भी कोई शक नहीं है। चाहे वो ईस्टर्न बाईपास हो, चाहे वो वेस्टर्न बाईपास हो, बहुत सारी जगहें इंक्रोच हो गई, यहाँ लैंड माफिया भी मौजूद हैं। इसके ऊपर हमने कई मीटिंग्स भी की और कोशिश भी किया कि इन चीज़ों को ठीक किया जाए, और कर रही है गवर्नमेंट, बड़ी जिम्मेदारी के साथ इन चीज़ों को देख रही है। इंशाल्लाह ताला सीएम साहब के साथ भी हमारे इसी हवाले से बहुत सारे मीटिंग्स हुए हैं, हम एक प्रॉपर मैकेनिज्म के तहत ये चीज़ें इंशाल्लाह ताला ठीक करने जा रहे हैं। और बाकी सेटलमेंट का अपना एक तरीक़ेकार होता है, उसको अपने मतलब के जो प्रोसेस होता है उस प्रोसेस के तहत अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम्स होती है तो वो उस प्रॉपर फोरम पे इनिशियली वहाँ पर चैलेंज करता है, तहसीलदार के लेवल पे, SMBR के लेवल पे, उसके बाद कोर्ट्स भी मौजूद हैं। तो इश्यूज़ तो बहुत सारे हैं, लेकिन इंशाल्लाह ताला हम कोशिश करेंगे ये सेटलमेंट के जो मामला बेहतर तरीके से और ठीक तरीके से हो जाएं, ताकि बलूचिस्तान का एक बहुत पुराना देरीना मसला रहा है, क्योंकि बलूचिस्तान के लैंड जो हैं वो तकरीबन अनसेटल्ड हैं, बाकी सूबों के पुराने सेटल्ड हो चुके हैं, तो इस वजह से यहाँ पर इश्यूज़ हमेशा रहे हैं। कोशिश ये होगी कि जितनी भी जल्दी हो सके हम अपने सूबे के जो अनसेटल्ड ज़मीन है उनको सेटल कर लें। उनके लिए हमारे चैलेंजेस भी बहुत हैं, हमारे लिए ख़ास तौर पे स्टाफ की बड़ी कमी है, हमने कॉन्ट्रैक्ट पे भी कुछ स्टाफ उठाए हैं, हम आगे भी कोशिश करेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट पे उठाकर ताकि जल्द से जल्द जो कबायलों का जो हक बनता है उनको उनका हक दिया जाए, ताकि ये माफियाज अंदर ना आ जाएं, क्योंकि ये कोयटा के जितने भी सराउंडिंग ज़मीनें हैं बड़ी अभी वैल्यूएबल हो गई हैं, इसलिए यहाँ की ज़मीनों पे माफियाज की काफ़ी नज़र रही है शायद, और आज भी है। तो कोशिश यही है कि जो भी अनसेटल ज़मीन है उनको जल्द से जल्द सेटल किया जाए, ना कि कोयटा बल्कि पूरे बलूचिस्तान के जो भी अनसेटल ज़मीन है, मैंने देखे हैं तकरीबन 40-40, 50-50 साल से कहीं पर सेटलमेंट स्टार्ट है जो आज तक नहीं हुआ। उसकी वजह सिर्फ ये रही है कि हमारे पास स्टाफ नहीं था, और उसके साथ शायद लोगों की इतनी ज़्यादा तवज्जो भी नहीं रही, लेकिन CM साहब खुसूसी तौर पे ख़ुद भी इन चीज़ों को देख रहे हैं, और उनकी भी ये ख्वाहिश है कि जितना जल्दी हो सके बलूचिस्तान का ये देरीना जो बहुत पुराना मसला चला आ रहा है, ख़ास तौर पे कबायलों के दरमियान काफ़ी जो झगड़े भी इसी हवाले से रहे हैं, ताकि वो जल्द से जल्द हल हो सकें। और जहाँ तक सरयाब की बात है तो हम लोगों ने पहले भी एक आध मीटिंग, मेरे ख्याल में अगर पहले सलीम जाम को बात मुकम्मल करने दे, फिर खाली सिर्फ उसने अच्छी बात ही कही, मैं उनसे मुतफिक हूँ बिल्कुल, उस पर वो काम करे, लेकिन मैं कहता हूँ सरयाब रोड और ये मगरबी आ रहा है, सरयाब रोड पे आ रहे, पहले आप बात करने दे वो सलीम जाम को। मैं आपको सिर्फ वो दुकानें गिरा रहा है जो अनसेटल्ड जमीन पे इस वक्त तमीर है, तो उनको मुआवजा नहीं मिला जनाब, बात बात प्यार है, क्या बनेगा, क्योंकि अभी तो उसके बाद देखिए उसका भी हम देख लेंगे तरीक़ेकार। DC के साथ हम लोग आपके साथ ही मिलकर हम लोग एक मीटिंग्स कर लेते हैं, उसका भी कोई तरीक़ेकार निकाल लेंगे, अगर उनका हक बनता है तो इंसाफ करेंगे इंशाल्लाह ताला, किसी के साथ ज्यादती नहीं होने देंगे। आप लोगों के साथ हम लोगों ने पहले भी मिलकर मीटिंग्स की है, फिर कोविड आ गया, बीच में कुछ इस तरह के इशू रहे, कभी आप लोग नहीं थे, कभी मैं नहीं था, तो उस मीटिंग्स को हम प्रॉपर तरीके से आगे नहीं बढ़ा सके। तो हम 2-3 दिन में आप लोगों के साथ बैठकर जिस मीटिंग की सलीम जान मलिक साहब या अहमद नवाज बात कर रहे हैं उसको तो आप ही चेयर करते होंगे, मेरे ख्याल तो कम अज कम वो मीटिंग कल परसों तक जल्द से जल्द बुला के उस मीटिंग में इन तमाम मसाइल का 24 तारीख को रख लेते हैं, 24 तारीख को रख लेते हैं, ठीक है। सॉरी DC कोयटा है, सही है, ठीक है, जो भी इसके मेंबर्स है, जो भी इसके मेंबर्स है वो सब इस मीटिंग में आएंगे और इसका हिस्सा होंगे, सबको बुला लेंगे, ठीक, मेहरबानी सर। जी जी, पहले मीटिंग आप कर ले, उसमें जो भी आप जरूरी समझे फिर उसको भी बुला लें, बात करेंगे। मैं एक मिनट लूंगा, मुबारकबाद, बैठ जाते फिर आप खाली मुबारकबाद दे के फिर